अगर इस डर को पार करके समंदर में गलत काम करने को कोई उतरा, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया जो आज तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। वहीं दूसरी तरफ थलापति विजय की फिल्म द गॉड भी फाइनली वर्ल्ड वाइड मार्केट में हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्त्री 2 के 39 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वही थलापति विजय की गॉड के 18 दिनों के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म योद्धा के 3 दिन और तुम्बाड के 10 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और इसके अलावा जानने वाले हैं जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फैंटेसी हॉरर पीरियड ड्रामा फिल्म तुम्बाड के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सोहम सा। बता दो दोस्तों ये फिल्म पहले 12 अक्टूबर 2018 यानी कि 6 साल पहले रिलीज हुई थी, जब इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 15 करोड़ रुपए का रहा था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पूरे 6 साल बाद फिर से ये फिल्म सिनेमाघरों में आई और इस बार फिल्म का जो कलेक्शन है ना वो शुरुआती पहले हफ्ते में ही पिछली बार के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा रहा। और पहले हफ्ते में तो फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ नई फिल्में आ गई जिसके चलते इसकी स्क्रीन्स कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों से बेहतर कमाई की है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपए और इस फिल्म को सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 10 दिन। बात करें इस फिल्म के 10 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों तुम्बाड फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 16 करोड़ 48 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने 9th डे 2 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। हालांकि आज संडे होने की वजह से फिल्म की ऑक्यूपेंसी में कल के मुकाबले अच्छा खासा ग्रोथ आ चुका और ये फिल्म अपने 10th डे यानी कि आज लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों तुम्बाड मूवी का शुरुआती 10 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 21 करोड़ 78 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 25 करोड़ 91 लाख रुपए। वही फिल्म के 2018 के कलेक्शन को भी अगर मिला दिया जाए तो इस फिल्म की टोटल कमाई दोनों बार रिलीज होकर वो हो चुकी है 41 करोड़ 26 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बन चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है सिद्धांत चतुर्वेदी और उनके साथ में है मालविका मोहनन, राघव जुआल, गजराज राव और राम कपूर। बताना चाहूंगा था दोस्तों रवि उदवार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही पहले दिन तो धमाकेदार ओपनिंग मिली और फिल्म के फर्स्ट डे के कलेक्शन सबकी उम्मीदों से काफी ज्यादा बेहतर रहे, क्योंकि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन टिकट 100 रुपए से भी कम की थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन जैसे ही टिकट के रेट फिर से बढ़ गए वैसे ही इस फिल्म के कलेक्शन दूसरे दिन और तीसरे दिन काफी ज्यादा नीचे आ गए। हालांकि दोस्तों पहले दिन से कम कमाई फिल्म के दूसरे दिन रही, लेकिन तीसरे दिन का कलेक्शन दूसरे दिन से काफी ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि योद्धा फिल्म का बजट है 23 करोड़ रुपए और इस फिल्म को सिनेमाघरों में हो चुके हैं 3 दिन। और बात करें 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, वही दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 1.63 करोड़ रुपए रहा। बात करें आज यानी कि तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों संडे होने की वजह से इस फिल्म को तीसरे दिन जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो दूसरे दिन के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक योद्धा फिल्म अपने तीसरे दिन लगभग 2 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों योद्धा फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ 15 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ 68 लाख रुपए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया फिल्म का बजट है 23 करोड़ रुपए, उस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म को हिट होने के लिए अभी तो काफी ज्यादा कमी करना होगी। तो अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है या नहीं। वही दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने जा रही पैन इंडिया फिल्म देवरा के बारे में, तो कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा, जिस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ में हमें जानवी कपूर और सैफ अली खान देखने को मिलेंगे। बता दो दोस्तों फिल्म रिलीज हो रही है 27 सितंबर को और इस फिल्म को रिलीज होने में समय बचा है सिर्फ 5 दिनों का। हालांकि इस फिल्म की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वो काफी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन कल से फाइनली इस फिल्म की इंडिया में लिमिटेड बुकिंग कुछ कुछ शहरों में थोड़ी बहुत सिनेमाघरों में शुरू हुई है, जहां पर फिल्म को एडवांस बुकिंग में इंडिया में भी एक तरह से डिसेंट रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज शाम से इस फिल्म की ऑल ओवर इंडिया में एडवांस बुकिंग पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की इंडिया में बुकिंग शुरू हो उससे पहले ही फिल्म ने विदेशों से तगड़ी कमाई कर ली। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म का ट्रेलर सेकंड वाला भी आज 11:07 पर रिलीज होने वाला है, तो देखते हैं कि सेकंड ट्रेलर किस तरह से धमाकेदार होता है और ट्रेलर 2 के बाद में इस फिल्म की जो हाइप है वो हिंदी मार्केट में बढ़ती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ईमानदारी से कहा जाए तो इस वक्त देवरा का हिंदी मार्केट में बस पूरी तरह से ठंडा पड़ा है। अगर सेकंड ट्रेलर दमदार हुआ, लोगों को पसंद आया, तो शायद ये फिल्म हिंदी मार्केट में डबल डिजिट की ओपनिंग ले लेगी। लेकिन जिस तरह का अभी तक इस फिल्म को लेकर हाइप है उसे देखकर तो लगता है कि भैया फिल्म का हिंदी में फर्स्ट डे कलेक्शन काफी निराश करने वाला रहेगा। पर इस वक्त अगर बात की जाए देवरा के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में,
दोस्तों आपको बता रहे कि इस फिल्म की जो फर्स्ट डे की ओवरसीज बुकिंग है वो 2.43 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 20 करोड़ 31 लाख रुपए होते हैं। वहीं इस फिल्म की जो वीकेंड की ओवरसीज बुकिंग है वो 3.25 मिलियन डॉलर की हुई है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 27 करोड़ 15 लाख रुपए। तो दोस्तों फर्स्ट डे की इस फिल्म की ओवरसीज बुकिंग 20 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, वही वीकेंड की 27 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। अब जैसे ही इस फिल्म की ऑल ओवर इंडिया में सभी भाषाओं की एडवांस बुकिंग शुरू होगी, उसके बाद आइडिया लगेगा कि भैया ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करेगी। इतना तो पक्का है कि फिल्म के विदेशों के कलेक्शन दमदार होंगे, साथ ही साथ तेलुगु वर्सन में भी फिल्म की कमाई धमाकेदार रहेगी। लेकिन तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में ये फिल्म क्या धमाका करेगी वो तो इसकी एडवांस बुकिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बेफिक्र रहिए दोस्तों, कल से आपको देवरा फिल्म के जो इंडिया के एडवांस बुकिंग कलेक्शन है उसकी भी रिपोर्ट सबसे पहले आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया पर मिलती रहेगी। वही दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, तो भैया स्त्री 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया जो आज तक ना तो शाहरुख खान कर पाए थे, ना सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ना ही अक्षय कुमार। जी दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री 2 इंडियन सिनेमा की या यूं कहे बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जो कि इंडिया नेट कलेक्शन 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का करने में कामयाब रही और श्रद्धा कपूर ने अपने नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। जी दोस्तों आपको बता दें कि हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, और इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ में हमें राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी देखने को मिले थे। 80 करोड़ के बजट में बनी स्त्री 2 को 15 अगस्त के मौके पर जब रिलीज किया था तो फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ही इस फिल्म के बजट जितना था। लेकिन दोस्तों फिल्म काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थी, लोगों को खूब फिल्म पसंद आई, जिसके चलते ही फिल्म के कलेक्शन पहले हफ्ते में धमाकेदार रहे, वही दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हफ्ते तक फिल्म की कमाई बढ़िया होती रही। लेकिन इस वक्त स्त्री 2 चल रही है छठे हफ्ते में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि छठे हफ्ते में स्त्री 2 के कलेक्शन जितने दमदार आ रहे हैं ना, इतने अच्छे कलेक्शन तो इस हफ्ते रिलीज हुई बाकी बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन भी नहीं है। जी दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए स्त्री 2 के अब तक के यानी कि 39 डेज के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 37 दिनों में यानी कि छठे शुक्रवार तक इंडिया नेट कलेक्शन 595.10 करोड़ रुपए का कर लिया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने छठे शनिवार यानी कि 38वें दिन 3.53 करोड़ रुपए की कमाई की। अब बात करें इस फिल्म की आज यानी कि छठे रविवार के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को आज यानी कि अपने 39वें दिन भी जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। उसके पीछे की वजह दोस्तों ये है कि आज है संडे यानी कि हॉलीडे, जिसके चलते फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज तो कल से काफी ज्यादा बेहतर है, साथ ही साथ आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड हो चुकी थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक स्त्री 2 अपने 39वें दिन लगभग 4.20 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 39 डेज में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 602.83 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों यहां पर स्त्री 2 बॉलीवुड की पहली 600 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है और श्रद्धा कपूर के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री 2 का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 711.30 करोड़ रुपए का हो चुका है, वही फिल्म का जो अब तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 849.75 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी दोस्तों कल तक ये फिल्म दुनिया भर में 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि इस फिल्म का कलेक्शन और कहां तक जाता है। हालांकि दोस्तों 5 दिनों बाद देवरा रिलीज होगी, जिसके बाद शायद स्त्री 2 के कलेक्शन काफी नीचे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें तमिल सिनेमा के नंबर 1 सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म द गोड के बारे में, तो वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी पैन इंडिया फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था, और इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 3रा हफ्ता। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहां पर द गोड फिल्म हिंदी मार्केट में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है, जबकि इस फिल्म का हिंदी में 0 प्रमोशन किया था और फिल्म को मल्टीप्लेक्सेस में भी नहीं रिलीज किया था। हालांकि इस फिल्म के मेकर्स अगर इस फिल्म का हिंदी में सही से प्रमोशन करते, ज्यादा स्क्रीन में इस फिल्म को रिलीज किया जाता तो शायद ये फिल्म हिंदी मार्केट में ही 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती थी। लेकिन दोस्तों यहां पर थलापति विजय की जो फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदी मार्केट से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहते हैं, जिसके चलते वो बस हिंदी में फिल्म को रिलीज कर भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर थलापति विजय के स्टारडम की वजह से ही उनकी फिल्में हिंदी मार्केट में बिना प्रमोशन कम स्क्रीन पर भी तगड़ी कमाई कर जाती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहां पर थलापति विजय के करियर की जो लास्ट फिल्म है थलापति 69, उस फिल्म को हिंदी मार्केट में सही से रिलीज करे, अच्छा प्रमोशन करे, उसके बाद वो फिल्म शायद थलापति करियर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हिंदी मार्केट से बन सकती है। दोस्तों जहां फिल्म ने हिंदी मार्केट से 25 करोड़ रुपए जैसी शानदार कमाई की, वही दोस्तों इस फिल्म का जो सबसे बेहतरीन कलेक्शन है वो रहा तमिलनाडु से। जी दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गोड फिल्म सिर्फ तमिलनाडु से ही यानी कि एक सिंगल स्टेट से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, वही फिल्म ने बाकी साउथ लैंग्वेजेस में भी एक डिसेंट कमाई की है। हालांकि फिल्म का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो भी पूरी तरह से धमाकेदार हो चुका है। तो यहां पर अगर बात करें द गोड के 18 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 16 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 234.41 करोड़ रुपए का किया था, वही दोस्तों फिल्म ने 17वें दिन यानी कि तीसरे शनिवार 3.82 करोड़ रुपए की कमाई सभी भाषाओं से की। अब बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 18वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज संडे होने की वजह से द गोड फिल्म के कलेक्शन में हिंदी मार्केट में तो एक हल्का सा ग्रोथ है, लेकिन तमिल वर्सन के कलेक्शन में तमिलनाडु में
इस फिल्म को फिर से आज एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक द गोट फिल्म अपने 18वें दिन लगभग 4,50,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों द गोट का शुरुआती 18 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 242,73,00,000 रुपए का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 288,84,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 18 दिनों में वो 445,00,00,000 रुपए की रेंज में हो चुका है। दोस्तों फिल्म शुरुआती 18 दिनों में तो 445,00,00,000 की दुनिया भर से कमाई कर चुकी है और सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म कल यानी कि 19वें दिन दुनिया भर के अंदर 450,00,00,000 का आंकड़ा भी पार कर देगी। उसके बाद देखेंगे कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन 500,00,00,000 तक पहुंचता है या नहीं। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है द गॉड फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखे अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।